गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम हूर मध्य निवासी उपेंद्र चौधरी का पुत्र रवि रंजन कुमार चौधरी उम्र लगभग 24 वर्ष का अपराधियों द्वारा बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताते चलें कि 17 फरवरी 2022 को रवि रंजन कुमार अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी लेकर समिति बाजार स्टैंड में गया, जहां से चिनिया से फर्नीचर का सामान लेकर आने की बुकिंग मिलने के घर वालों को समय लगभग 2:30 दोपहर सूचना देकर चिनिया की तरफ निकला था। शाम तक घर वापस नहीं आया तो पूरे परिवार के सभी लोगों ने अपने स्तर से पता लगाने का पूरा प्रयास किया। अंत में 18 फरवरी को गढ़वा थाना को गाड़ी सहित रवि की गुमशुदगी की जानकारी दी गई। सूचना पाकर गढ़वा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर रवि कुमार चौधरी के रूप में शव की शिनाख्त की गई, जो पिछले 17 फरवरी से गुम थे। थोड़ी देर के लिए आक्रोशित परिजन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी को लेकर गढ़वा मुख्य मार्ग को जाम किया गया। उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी पहुंच कर परिवार वालों को समझा बुझा कर अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। इस मौके पर गढ़वा पलामू के झारखंड निषाद विकास संघ एवं महर्षि वेदव्यास परिषद के पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। थाना प्रभारी महोदय से मिलने का प्रयास किया गया और प्रशासन से आग्रह किया गया कि रवि कुमार के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और 2-3 दिन के अंदर अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तो निषाद समाज के लोग रवि को न्याय दिलाने के लिए बाध्य होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। महर्षि वेदव्यास विद्वत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेवी चौधरी, झारखण्ड निषाद विकास संघ गढ़वा, डंडा प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि श्री उपेन्द्र नारायण चौधरी, दक्षिण के जिला परिषद सदस्य राम नरेश चौधरी, डॉक्टर संतोष चौधरी, श्यामला मल्लाह, विनोद चौधरी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि सभी को मालूम हुआ कि रवि रंजन कुमार चौधरी पिता उपेंद्र चौधरी ग्राम हुर मधिया का एक 24 वर्ष का जो एक लड़का था उनका अपहरण करने के बाद में हत्या कर दिया गया है, जिसका पोस्टमार्टम अभी हुआ और पोस्टमार्टम के बाद में हम लोग गढ़वा थाना प्रभारी से मिले और उनसे पूरे गढ़वा पलामू के निषाद समाज और निषाद समाज के सामाजिक संगठन झारखंड निषाद विकास संघ और महर्षि वेदव्यास के संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि मंडल गढ़वा थाना प्रभारी को मिले और हम लोगों ने संयुक्त रूप से मांग करते हैं कि रवि रंजन कुमार चौधरी के हत्यारों का अविलंब गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर पूरा गढ़वा पलामू के सामाजिक संगठन के लोग हम लोग उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। धन्यवाद। मैं अजय कुमार चौधरी, झारखंड निषाद विकास संघ, जिला महासचिव गढ़वा। धन्यवाद। R9 भारत के लिए गढ़वा जिले से रिपोर्ट।